नमस्कार, लीना जीजी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन को हमें भूनना पड़ेगा। बैंगन अगर अंगीठी के ऊपर भूना जाए तो उसमें धुएं का टेस्ट आता है और वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल हम लोग अंगीठी जलाते नहीं है, तो हम इसको गैस पर भूनेंगे। मैंने बैंगन को धोकर पोंछ लिया है। भूनने के पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे जिससे इसका छिलका आसानी से निकल जाएगा। गैस पर भूनने पर भी स्मोकी टेस्ट आ सकता है, इसको थोड़ी देर ज्यादा भूनना होगा। बैंगन का जो पानी निकलता है वो बर्नर में घुस जाता है। भरता बनाने के बाद आप बर्नर को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए ताकि वो आगे अच्छे से काम करता रहे। बैंगन भून गया है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और जब तक ये ठंडा हो रहा है इसका मसाला तैयार कर लेंगे। कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें हम तेल डाल देंगे। 2 चम्मच तेल डाल दिया है, 5-6 काली मिर्च डाल दी है और 2 लौंग डाल दी है, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 प्याज बारीक कटी हुई, मीडियम साइज की प्याज है, अगर ज़्यादा बड़ी प्याज हो तो 1 ही डालें। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक या आपके टेस्ट के हिसाब से ले लें। अब इन सबको टमाटर गलने और तेल छोड़ने तक भून लेंगे। तेल छूट गया है और टमाटर भी गल गया है। अब हम भुने हुए बैंगन को छील कर इसमें डाल देंगे। छिलका काफी आसानी से निकल रहा है। ये जो बैंगन का डंठल और पानी है इसको फेंके नहीं, इसको भी मसाले में डाल दें। मसाला तैयार हो गया है, अब मसाले में ये भुना हुआ बैंगन डाल देंगे। इसके अंदर जो लौंग और काली मिर्च डाली है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि कई लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। भरता बनाते वक्त अगर थोड़ा सा धनिया अंदर डाल देंगे तो उसकी खुशबू पूरे भरते में आ जाएगी। इसको हम प्लेट में डाल लेते हैं और इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। लीजिए, तैयार है बैंगन का भरता। इसे आप बनाइए, अपने अनुभव शेयर कीजिए और मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।